खबर सौसर से। क्रांति सूर्य महात्मा फुले को याद किया। भारत के क्रांतिकारी महान समाज सुधारक शिक्षण महर्षि दलितों पीड़ितों शूद्रों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले ज्ञान सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की आज 196वीं जयंती शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सौसर में छात्राओं और विकासखंड स्तरीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्थानीय परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र में विकासखंड के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा संयुक्त रूप से मनाई गई। छात्राओं ने महात्मा फुले के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीपक जलाए। शिक्षक शिक्षिकाओं ने पुष्पमाला और मोमबत्तियां प्रज्वलित की। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य ज्ञानेश्वर भोंगाडेम ने माननीय फुले को आधुनिक भारत में दलितों शूद्रों और पिछड़ों की शिक्षा के प्रचार प्रसार की नींव रखने वाले महान पुरुष बताया। कीर्ति सागर बागड़े ने कहा, फुले ने सामाजिक समानता समरसता को बढ़ाया, छुआछूत स्पृश्यता को सामाजिक दीमक बताया, इसके विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। सूर्य कीर्ति काले ने कहा कि भारत में आधी आबादी अर्थात महिलाओं को पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में प्रदान किया। ये प्रेरणा उन्हें उनके सामाजिक गुरु महात्मा फुले और सावित्री बाई फुले के कार्यों और उनके जीवन संघर्ष से मिली। संगीता ढोके ने फुले को करुणा वात्सल्य और ज्ञान की प्रतिमूर्ति बताया। आभार प्रदर्शन राजरत्न बागड़े ने किया। इस कार्यक्रम में राजेंद्र डोंगरे, वामन राव ठाकरे, रामा धुर्वे, आशीष वैद, सूरत साहू, प्रमोद नागदवने, हितेश गनोरकर, जेडी मर्सकोले आदि अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। खबर भारतवर्ष के लिए सौसर मध्य प्रदेश से मयूर मस्के की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।